आज से 6 दिन बाद जब खुलेगा दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर जो बदल देगा भारत की तस्वीर और तकदीर, वो दो मंदिर जो मोदी को बनाएंगे तीसरी बार सिकंदर। मोदी 2024 से पहले 2 ऐसे काम करके जाएंगे, लोग आने वाले 1000 सालों तक मोदी के गुण गाएंगे। जिसे 70 सालों में कांग्रेस नहीं कर पाई, मोदी ने उसे करने की हिम्मत दिखाई। मोदी इन दो कामों से बढ़ाने वाले हैं देश की शान, बन जाएंगे पीएम महान। मोदी दुनिया को दिखाने वाले हैं 2 ऐसी तस्वीर जो बदल देंगी भारत की तकदीर। मोदी अब 2 ऐसे मंदिर बनाएंगे जिनके दर्शन करके लोग धन्य हो जाएंगे। मोदी ने भविष्य के लिए वो कदम उठाया जिसे देखकर कांग्रेस का दिमाग चकराया। मोदी ने साल 2014 में ऐसी कसम खाई जिसने मोदी की हिम्मत बंधाई। मोदी बनाने जा रहे हैं वो दो मंदिर जो उन्हें 2024 में तीसरी बार बनाएंगे सिकंदर। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जो काम कर सकते हैं उसे करने का दम किसी में नहीं है। एक बार फिर से मोदी के 2 बड़े कामों की चर्चा होने लगी है। मोदी 2 ऐसे काम करने जा रहे हैं जिसके पूरे होने के बाद उन्हें लोग 1000 सालों तक नहीं भूल पाएंगे। मोदी के इन कामों को न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया देखेगी। पूरी दुनिया में मोदी के नाम का डंका बजेगा, लोग मोदी को सलाम करेंगे। कुल मिलाकर मोदी दुनिया के सामने 2 ऐसी तस्वीर पेश करने वाले हैं जो आने वाले भविष्य में भारत की तकदीर को बदलकर रख देंगे। मोदी 2 मंदिर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। जब से मोदी देश के पीएम बने थे तब से मोदी के मन में इन 2 मंदिरों को बनाने की जिद थी। मोदी ने कसम खाई थी कि वो अपने कार्यकाल में ही इन 2 मंदिरों को बनाकर देश के लोगों को बड़ा तोहफा देंगे। अब मोदी अपने उस वचन को पूरा करने वाले हैं। चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। पहला मंदिर संसद भवन, जो बहुत अलग होने वाला है। आपको दूसरे मंदिर के बारे में भी बताएंगे, उससे पहले संसद भवन की कुछ खासियतें जान लीजिए। नंबर 1, प्रधानमंत्री मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। तब पीएम मोदी ने कहा था कि देश के संसद भवन के निर्माण की शुरुआत हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से एक है। त्रिकोणीय आकार के संसद भवन का निर्माण 15 जनवरी 2021 में शुरू हुआ था। इस बिल्डिंग में देश की लोकतांत्रिक विरासत, भोजन क्षेत्र और पर्याप्त पार्किंग के साथ एक भव्य संविधान कक्ष भी बनाया गया है। नंबर 2, नए संसद में कई आधुनिक हाईटेक और सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए मार्शल और कर्मचारियों की नई ड्रेस होगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये नई यूनिफॉर्म NIFT ने डिजाइन की है। साथ ही यहाँ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 4 मंजिला संसद भवन में कुल 1224 सांसदों के बैठने की व्यवस्था की गई है। नंबर 3, 64,500 वर्ग मीटर के क्षेत्र में बने इस नए संसद भवन में 3 एंट्री गेट बनाए गए हैं। इनका नाम ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार रखा गया है। इनमें सांसदों, VIP और विजिटर्स के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार बने हैं। इसमें एक अन्य आकर्षक कॉन्स्टिट्यूशन हॉल है जिसे देश की लोकतांत्रिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया है। नंबर 4, नए संसद भवन को भारतीय संस्कृति, क्षेत्रीय कला, शिल्प और वास्तुकला से मिलाकर सजाया जाएगा। डिजाइन योजना में केंद्रीय संवैधानिक गैलरी को स्थान दिया गया है, आम लोग इसे देख सकेंगे। इस संसद भवन में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और देश के अन्य प्रधानमंत्रियों की तस्वीरें होंगी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी 26 मई को 970 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बने नए भव्य संसद भवन का उद्घाटन करने जा रहे हैं, जिसे लेकर कांग्रेस बौखला गई है और मोदी के काम पर सवाल खड़े कर रही है। अब बात करते हैं दूसरे मंदिर की, तो वो है उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहा राम मंदिर। मोदी ने साल 2014 में पीएम बनते ही राम मंदिर को बनाने की कसम खाई थी। अब मोदी की वो कसम पूरी होने जा रही है। साल 2024 से पहले राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। इन दोनों मंदिरों के बनने के बाद कहा जा रहा है कि आने वाले 1000 सालों तक भारत देश में मोदी का नाम अमर हो जाएगा, हर कोई मोदी के गुण गाएगा। तो आपका मोदी के इन दोनों मंदिरों को लेकर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।